नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुगम जी। यहाँ पे 23 अप्रैल रविवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर बढ़ने लगा कोरोना। 24 घंटे के अंदर 406 नए संक्रमित मिले हैं, इसी बीच 2 की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 406 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 65 संक्रमित मरीज राजधानी जयपुर से मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,725 पर पहुंच गई है। इसी के साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट का हाईकमान के नेताओं के सामने गहलोत पर हमला। अपने स्टैंड पर अड़े हैं नेताओं से कहा बीजेपी के करपसन पर कार्यवाही की मांग, कांग्रेस विरोधी कैसे। चुनावी साल में कांग्रेस की भीतर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच कोल्ड वार तेज हो गई है। बीजेपी राज के करपसन पर कार्रवाई के मुद्दे पर सचिन पायलट अपने स्टैंड पर अड़ चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान से जुड़े नेताओं के सामने पायलट ने बीजेपी के राज के करपसन पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है। पायलट ने उनसे बात करने वाले नेताओं के सामने अपना स्टैंड किसी भी हालात में बदलने से साफ मना कर दिया है। इसी के साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दरअसल मौसम को लेकर है। रात में भी गर्मी का असर तेज हो चुका है, 27 अप्रैल तक तेज गर्मी पड़ने के संकेत। राजस्थान में इस बार तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। लगातार बढ़ते तापमान से दिन और रात में गर्मी तेज हो गई है। राजस्थान के सभी शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है और तेज गर्मी पड़ने की संभावना रहेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 13,000 सफाई कर्मचारियों के लिए होगी भर्ती। 15 मई से भरे जाएंगे फॉर्म, अनुभव जरूरी है, इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। राजस्थान की 176 नगर निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू हो जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत बोले सर्वे में कई विधायकों की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा रिपोर्ट में सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन कई विधायक अच्छे नहीं हैं। प्रदेश में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच दोनों पार्टियां फील्ड में उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनावी तैयारी के तहत सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं इसकी रिपोर्ट विधायकों से भी शेयर की है। अब सरकार हर महीने प्रदेश प्रभारी की देखरेख में विधानसभा सीटों का सर्वे करवाएगी। गहलोत ने इस सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक मेरे सर्वे में हमारी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनकी सर्वे में हालात ठीक नहीं है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सुडान में फंसे 40 राजस्थानियों को सुरक्षित वापस लाने की कवायद हो चुकी है तेज, सीएम ने दिए निर्देश। सुडान में फंसे राजस्थानियों को सुरक्षित वापस अपने देश लाने के लिए कवायद तेज हो गई है। सीएम गहलोत ने सभी राजस्थानियों को सुरक्षित वापस लाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरक्षण आंदोलन के चलते इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद, भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे पर जुटे लोग। समुदाय के हजारों लोगों ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर आगरा और बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। इसके बाद भरतपुर जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1,00,000 किसानों को तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान, गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। 1,00,000 किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए पैसा मिलेगा। इस पर 440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने दी एक और मंजूरी, कमजोर वर्ग के विकास के लिए 66 करोड़ का प्रावधान। राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक कमजोर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने 66 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान मंजूर किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कई प्रधानमंत्रियों के करीबी रहे हैं सत्यपाल मलिक, कृषि कानूनों पर किसानों का किया था समर्थन। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चाओं के मोड़ में। सीबीआई ने मलिक से जम्मू कश्मीर में कथित बीमा मामले के सिलसिले में कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। 7 महीने में दूसरी बार है जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक से केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। इसके बाद जाट समाज इकट्ठा हो चुके हैं, उन्होंने मोदी के खिलाफ एक ट्विटर पर अभियान चलाया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा, मंगई राहत कैंप में मिलेगा 10 बड़ी योजनाओं का सीधा लाभ। दरअसल 24 अप्रैल से 30 जून तक 2023 तक आपको बता दें कि मंगई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 10 योजनाओं के लाभ मिलेंगे। बिजली योजना साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना, इसी के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सीमा और रास्ते संबंधी मामले, एक कुटुंब झगड़े के व्यक्तियों को अधिकारों की घोषणा, मुख्यमंत्री बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसी के साथ ही ये बड़ी योजनाएं हैं जिनका इंदिरा कैंप के अंदर आपको फायदा मिलेगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें।